ओके गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए मास मास टाइड टू ए स्ट्रिंग. मास क्या हो गया, मास टाइड टू ए स्ट्रिंग. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं एक गोल गोल में घूमूंगा, अगर ये एक रोड है, ठीक है, रोड में मैं गोल गोल में घूमता हूं, तो इसमें तुम्हारा जो स्पीड सेम रहता है. क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो ग्राउंड से तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो सेम है कि नहीं है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका सेम है. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइट के ऊपर डिपेंड करता है. यस और नो? किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइट के ऊपर. अगर बॉडी सेम हाइट में जा रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजेस है? नो चेंज. बट अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ये था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. जैसे तुमने गोल गोल में गाड़ी में घूमा, या तुमने एक क्या बोलते हैं उसको, मेरी गो राउंड में. ये एक सर्कुलर मोशन है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है. वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब क्या है? तुम एक स्ट्रिंग लो, ठीक है, तुम एक मास लो और इसको गोल गोल घुमाओ सर्कल में. कैसे घुमाओगे? ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे, ना कि फ्लैट. तो ऊपर से नीचे तक, तो जब ऊपर से नीचे घुमाओगे, मुझे बताओ, बॉडी अगर मान लो इधर है, तुम क्या करोगे? एक फोर्स दोगे बॉडी को, ऐसा फोर्स दोगे तो बॉडी ऐसे जाएगी, ऊपर आएगी फिर नीचे जाएगी. यस और नो? मुझे बताओ, जब बॉडी ऊपर जाती है तो अगर मान लो ये, मान लो मैं ये खड़ा हूं, मान लो ये ग्राउंड है, तो जो डिस्टेंस इधर है, बॉडी इधर आ जाती है, तो क्या उसका डिस्टेंस चेंज हुआ ग्राउंड से? हाँ सर. इसका मतलब H1 H2 इज ग्रेटर देन H1. यस और नो? What do you mean by that? The height is changed. If the height is changed, that means the potential energy changed or not? Yes, sir. But will it increase or decrease? What is the formula for potential energy? MgH. Yes or no? तो पहले क्या था? MgH1. अभी क्या बन गया? MgH2. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? तो अभी क्या Mg, मुझे बताओ, अगर H2 बड़ा है H1 से, H2 बड़ा है H1 से, तो क्या होगा? तो ये क्वांटिटी इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब बॉडी ऐसे जाती है ऊपर, तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है. कहां तक इंक्रीज होता है? कहां तक इंक्रीज होता है? ये पॉइंट तक. मतलब अगर मान लो ये मैं ए पॉइंट लेता हूं, ये सी पॉइंट लेता हूं, ये बी, ये सी पॉइंट लेता हूं और ये बी पॉइंट लेता हूं, तो बी पॉइंट तक तुम्हारा इंक्रीज होगा. जैसे इधर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा. तो याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. यस और नो? अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा. तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी इधर इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होगा? डिक्रीज होती है. क्लियर? और ये साइड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि हाइट कम हो रहा है, बॉडी का धीरे धीरे हाइट कम हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होती है. क्लियर? क्लियर और नॉट? कोई डाउट है स्वरूप? यस सर. व्हाई आर यू जॉइनिंग लेट तरंग? हाँ, लेट क्यों ज्वाइन किया तू? क्यों लेट ज्वाइन करते हो? सर, आई वाज आउट फॉर सम
No, but you are out. You knew the class was 8:15. No, did I surprise you saying that immediately class is 8:15? Don't be late to my class. I don't like. If somebody is not joining, if he is having a real issue, technical issue, tell me. If you don't have issue, then I will consider it and I will carry on. Is it clear? Next time, don't be late. Have you seen me being late? Swarup, have I, anytime I have been late to the class? No, sir. Then why are you late? We are wasting time. That's it. Okay, we are wasting time. Tomorrow, if you want to attend class, you can attend morning differentiation integration. Okay, I am starting for Rishabh. So till now, any doubt is there? Ask me. Till now, any doubt is there? So, what we discussed that I am rotating a mass circular motion vertically. Upar se niche mein ghuma raha hu. If I rotate this one, okay, there is a string attached. Your potential energy will increase this way and will decrease this way. When the potential energy increases, the kinetic energy will decrease. And this side, when the potential energy decreases, the kinetic energy will increase. That's all we discussed. Everybody clear? Clear or not? Yes, sir. So we will go to again the figure. We will go to our figure. So ye point ko main leta hu, A point. Ye point ko leta hu, C point. Ye point ko leta hu, B point. Theek hai? To ye jab mass idhar hai, jab mass idhar hai, to iska ek force hai. Kya force hai? Mg. Are mass ka force rahega na? Weight. Yes or no? Yes or no? और एक और ये स्ट्रिंग है, क्या है स्ट्रिंग? ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में क्या रहेगा? टेंशन. यस और नो? यस और नो? मास का वेट की तरह एक फोर्स इधर है, टेंशन के ऊपर ऊपर है, तो जब धीरे धीरे मास ऊपर जाएगा, ये साइड में जाता है, तो क्या अभी ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर नहीं, तो मास एम जी किस साइड होगा? ये साइड होगा. Yes or no? और इसके इसके बीच में एक एंगल होगा, क्या एंगल होगा? थीटा. Yes or no? अरे थीटा ये बड़ा है ना? Yes or no? जब ये थीटा बड़ा है, मुझे बताओ अगर मैं इसको 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 एलोंगेट करता हूं, तो इसके बीच में भी तो थीटा होगा ना, सेम थीटा. Yes or no, Rishabh? Yes, तो ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. यस और नो? ये तुम्हारा एम जी हुआ. यस और नो? हाँ, तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो मेरा कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा दिस वन बाय दिस वन. यस और नो? ये तुम्हारा एच है. बेस, बेस बाय हाइपोटेनियस. तो बेस क्या है मेरे को नहीं पता, हाइपोटेनियस क्या है? एम जी. तो व्हाट इज बी? एम जी कॉस थीटा. कोई डाउट है इसमें? समझ में आया कैसे एम जी कॉस थीटा हुआ ये? ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल को मैंने बड़ा करता हूं, ठीक है? ये ट्रायंगल जो इसको बड़ा करता हूं, मैक्सिमाइज करता हूं. तो ये ट्रायंगल कैसा है? ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है. तो ये तुम्हारा थीटा है, ये जो है ये तुम्हारा एम जी है, ये बॉडी का मास है, ठीक है? और यहां पर एक टेंशन ऐसे गया, ये टेंशन है, टी है, ठीक है? तो जब बॉडी का मास, ये तुम्हारा एम जी है, ये क्या है? हाइपोटेनियस है. ये 90 डिग्री है. ये 90 डिग्री है कि नहीं, इतना तो पता है ना? तो ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? बेस है. इतना तक कोई डाउट है तीनों को? नो सर. मेरे को ये वैल्यू निकालना है. ये वैल्यू क्या है?
तो मैं क्या करूंगा, cos थीटा लूंगा, तो cos थीटा मेरा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, यस और नो? तो बेस, मेरे को बेस निकालना है, हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, क्या है mg, तो व्हाट इज b देन, b विल बी mg cos थीटा, क्लियर? cos थीटा अभी तक समझ, अभी समझा स्वरूप, समझा? हां समझा। अभी मेरे को ये निकालना है, कैसे निकालूंगा, सेम क्या लूंगा, sin थीटा लूंगा, sin थीटा मेरा क्या होगा, p by h, तो h क्या है, p by mg, तो p क्या होगा, mg sin थीटा, क्लियर? यस और नो? अगर ये mg sin थीटा है तो ये वाला भी तुम्हारा mg sin थीटा होगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो, क्यों, क्योंकि ये और ये इक्वल है, समझा, ये और ये इक्वल है, इसका लेंथ इक्वल है ना, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल ही होगा ना, तो ये वाला क्या होगा, ये फोर्स mg sin थीटा, अभी क्योंकि बॉडी अभी एक एंगल कर रहा है, अभी दो कंपोनेंट निकल गए, एक है ये कंपोनेंट, दूसरा है ये कंपोनेंट, एक है cos mg cos थीटा, एक है mg sin थीटा, अभी कोई डाउट है, कोई डाउट है तो पूछो इमीडिएटली। ऋषभ, स्वरूप, तरंग, स्वरूप क्लियर, गुड। तो मुझे बताओ जब मैं ऊपर जा रहा हूं, तुमको पता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कि नहीं होता है, जो अंदर की तरह होता है, मैं पढ़ाया था, वो क्या करता है, बॉडी को जाने नहीं देता है बाहर, है कि नहीं, बॉडी को बाहर जाने नहीं देता है, अंदर की तरफ ट्राई करता है, है यस और नो? तो मुझे बताओ ये जो टेंशन फोर्स है, ये टेंशन फोर्स किसके अपोजिट में है, mg cos थीटा के अपोजिट में है ना, और दूसरा क्या है, ये वेलोसिटी है, किसका, बॉडी का वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, तो ये जो वेलोसिटी है, मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी ये साइड में बढ़ती है, अगर पोटेंशियल एनर्जी ये साइड में बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ये साइड में डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, मार खाएगा, डिक्रीज होगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ये बढ़ गया, ये बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ये साइड में घटेगा, काइनेटिक मार खाएगा स्वरूप, ए ऋषभ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा बोल रहा हूं ना, तो अगर ये पॉइंट से ये पॉइंट काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो ये डिक्रीज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज होगा तो ये जो वेलोसिटी है वो घटेगा ना, तो अगर वेलोसिटी घट रहा है किसके लिए घट रहा है, सिंपल है ऋषभ, तू भाग रहा है, ठीक है, तू भाग रहा है, अभी मैं पीछे से तेरे को खींचूंगा तो तेरा स्पीड घटेगा या बढ़ेगा, तो वही हो रहा है, ये जो है ना mg sin थीटा, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, इसको ये साइड में खींच रहे हैं, क्यों, इसीलिए इसका वेलोसिटी घट रहा है, इसका वेलोसिटी घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, अभी क्लियर है, सब लोग क्लियर है क्या हो रहा है, बुक में नहीं दिया है, बुक में नहीं मिलेगा तुमको, ये मैं तुमको समझा रहा हूँ प्रॉपरली, नोट डाउन करके रखो, बुक में अगर पढ़ोगे तुम्हारा घंटा समझ में आएगा, यू विल नो, वेरी डिफिकल्ट इट इज, आई एम टेलिंग यू, योर बुक इज, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं आई डोंट हैव वर्ड्स, इतना कॉम्प्लिकेट करके देता है ना सिंपल चीजें को, समझ में आया स्वरूप, तरंग, ऋषभ? तो मुझे बताओ, मैंने क्या बोला, अगर वेलोसिटी घट रही है बट ये जो वेलोसिटी इतना बहुत बड़ा है, अगर ये इतना होता तो ये इमीडिएटली ये स्टॉप हो जाता, बट स्टॉप नहीं हो रहा है क्योंकि जो फोर्स लगा है ना वो बॉडी को यहां तक लेके जा रहा है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली टेंशन जो है वो बॉडी वो इतना ज्यादा है
कि ये बॉडी को बाहर नहीं जाने देता, इसका मतलब टी इज ग्रेटर देन एम जी कॉस थीटा। समझ में आया? तो अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, फॉर्मूला में था, इज इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा। मतलब ये फोर्स में अगर ये फोर्स निकाल दे, जितना रिमेनिंग होगा ना वो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्लियर? क्लियर तरंग? क्लियर? कैसे हुआ समझा? क्यों 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 एम बी स्क्वायर आ रहे? सेंट्रीपिटल फोर्स ये फोर्स है। तुमको पता है स्वरूप, हमने पढ़ा था, तेरे को कोई 5 न्यूटन में खींच रहा है और एक बंदा 2 न्यूटन में खींच रहा है, तो तू किस तरफ जाएगा? ये इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा? ये साइड में जाएगा, तो तू 5 न्यूटन में नहीं जाएगा, तू जाएगा 3 न्यूटन में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 5 न्यूटन का ऑपोजिट कितना है? 2 न्यूटन, तो वो माइनस हो जाएगा। समझ में आया? वही चीज इधर हो रहा है, एम जी कॉस थीटा ये साइड में है, टी ये साइड में है, तो तुम्हारा नेट किस साइड में है? ये साइड में, तो नेट कितना होगा? इसमें से ये माइनस कर दो, ये तुम्हारा क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर और नॉट? तो अगर टी एम बी स्क्वायर, एक म्यूट करो आवाज आ रहा है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं? टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर लिख सकता हूं मैं, या नहीं लिख सकता हूं बताओ? इसका मतलब क्या है? हमको फॉर्मूला मिल गया है, हम लोग कोई पॉइंट पे मैं टेंशन निकाल सकता हूं। कैसा? ये पॉइंट पे मेरा ये है। अब मुझे बताओ, अगर बॉडी इधर आता है, बॉडी इधर आता है, तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो मेरा टेंशन क्या हो जाएगा? ये पीसी क्या हो जाएगा? एम जी कॉस 90 प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। कॉस 90 क्या है? 0 है, यस और नो? तो टीसी क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। समझा? समझे या नहीं समझे? अभी बॉडी इधर आ गया, किधर आ गया? इधर। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 90। क्या क्या बात कर रहा है? अरे बाबा, ये एंगल कितना है? टोटल एंगल थीटा भी क्या हो जाएगा? 0। ऋषभ मार खाएगा क्या तू? फिर एंगल बढ़ रहा है ना? हाँ, कैसे 0 हो गया ऋषभ? कैसे 0 हो गया रे? आवाज नहीं आ रहा है, झूठ बोल रहा है। समझ? कौन बोला 0? कौन बोला 180 बोला? स्वरूप। समझ में आया 180 कैसे हुआ? क्योंकि ये पूरा तुम्हारा, ये 90 था, ये 90, 180 हो गया, तो तुम्हारा फॉर्मूला में क्या आ जाएगा? टीबी एम जी कॉस 180 प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, यस और नो? कॉस 180 क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हारी मैडम ने पढ़ाया होगा, क्या नाम है मैडम का? सिद्धि मैडम, सुद्धि मैडम ना? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। समझा? नेगेटिव। व्हाई? ऑल सिल्वर टैन कप्स, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव है, तो 180 इधर आता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। इसका मतलब एम जी माइनस 1 एम वी स्क्वायर बाई आर, इसका मतलब टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर माइनस एम जी। और ये कौन सा पॉइंट पे है? टीबी पॉइंट पे है।
समझ में आया? समझ में आया सबको? क्लियर? कोई डाउट है? अगर मैं बोलूंगा ये पॉइंट में क्या होगा तो क्या डालोगे? थीटा को क्या डालोगे? जीरो डालोगे? यस और नो? तो वैल्यू क्या आ जाएगा? टी इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। क्यों? क्योंकि कॉस जीरो क्या है? वन है। यस और नो? क्लियर? क्लियर और नॉट? ओके। बट हमको अभी हमको कुछ और हमको करना है। हमको वेलोसिटी निकालना है, ठीक है? ये सब निकालना है, ठीक है? नाउ आई एम रबिंग इट। मुझे लगता है ये वाला आज पूरा क्लास चला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? तुम्हारा बहुत सारे फॉर्मुलेस बहुत सारा आता है, क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम में भी बहुत बार आएगा ये। तो नीचे हमारा क्या है, मान लो इसका जो रेडियस है ये क्या है? आर है। क्लियर? क्लियर? ये तुम्हारा टेंशन है और ये मैंने ड्रॉ किया, ये एम जी कॉस थीटा है और ये तुम्हारा क्या है? एम जी है। ऐसा ये थीटा किया और ये तुम्हारा एम जी साइन थीटा है ना? ये पी पॉइंट है, ये मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट में एम जी डाउन है, ये तुम्हारा थीटा है, टेंशन इधर भी अप ही होगा, टेंशन ऑलवेज ऑपोजिट में होता है, ठीक है? और ये पॉइंट क्या है? सी पॉइंट है और ये तुम्हारा पॉइंट बी है। अभी तक कोई डाउट है? क्या आवाज कम आ रहा था? मेरा आवाज कम आ रहा है क्या? ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट में क्या था? टीए में क्या था? टीए कितना निकला? एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, यही निकला था ना? अरे यही निकला था ना? हाँ। तो एम वी, तो मान लो ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे जो स्पीड है ना वो वीए है। क्या है? वीए है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? वीए स्क्वायर। तो टी ए माइनस एम जी इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? ओके, कोई कोई कुछ कोई प्रॉब्लम है इसमें? बॉडी जब इधर आएगा ये मेरा वी सी हो गया और बॉडी जब इधर आएगा ये मेरा वी बी हो जाएगा। क्लियर? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, खाली मैं वेलोसिटी को क्या कर रहा हूं? नेम कर रहा हूं कि ये पॉइंट में वीसी है, ये पॉइंट में ये है, ठीक है? तो ये मेरा जो मैंने लिखा ये कौन से पॉइंट पे है? व्हाट पॉइंट? एट पॉइंट। व्हाट पॉइंट? ये कौन से पॉइंट में है बेटा? पॉइंट ए में। ये पॉइंट में ना है ना? अभी पॉइंट बी जाओ, पॉइंट बी में क्या हो गया? क्या था हमारा बताओ? टीबी इक्वल टू क्या था? फॉर्मूला याद करो। टीबी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा था ना? था कि नहीं था? तो कॉस 90 था। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एम वी बी बी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। अरे पॉइंट बी रे, बी में क्या था? कॉस 180 ना? कॉस 180 क्या था? माइनस वन था। तो ये माइनस वन आएगा कि नहीं? कोई डाउट है ऋषभ? स्वरूप डाउट है? क्लियर? तो आप इसको इक्वेशन वन मानो, इसको इक्वेशन टू मानो, मैं मेरे साथ करते चलो। डोंट सी मूवी, ओके? दिस नॉट मूवी गोइंग ऑन, ठीक है? मुझे बताओ Energy is always conserved, yes or no? Yes, sir. Energy कभी change होता है? कभी भी? Energy is neither created nor destroyed. इसका मतलब मैंने क्या बोला कि potential energy plus kinetic energy is always constant, total energy. इसका मतलब
अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, यस और नो? 50 + 50 = 100। अगर ये तुम्हारा 30 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 20 घटा तो इसमें 20 बढ़ेगा, यस और नो? दैट मीन्स द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? स्वरूप, यू अग्री विथ मी, यस और नो? दैट मीन्स डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा के. व्हाट इज डेल्टा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? तो चेंज क्या हुआ मुझे बताओ, अभी यहां पर था, यहां पर आर था ना, जब बॉडी इधर चला गया तो इसका हाइट, टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 2R नहीं हो जाएगा? तो मेरा कितना होगा, mg2R. और काइनेटिक एनर्जी कहां से चेंज हुआ बताओ, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक? ये पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv a square. और ये पॉइंट में, बी पॉइंट में क्या है, हाफ mb b square, यस और नो? इसका मतलब चेंज क्या हो रहा है, हाफ m कॉमन ले लो, b a square - bb square, यस और नो? कोई डाउट है इसमें? स्वरूप समझ में आया? स्वरूप समझ में आया? mm कट गया, ठीक है, mm कट गया, 2 इधर आ गया, तो 4gr is va square - vb square, यस और नो? कोई डाउट है? तो vb square मेरा क्या होगा, मैं अगर vb square लिखूं तो vb square मेरा क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, va square - 4gr, यस और नो? यस और नो? तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा बताओ, ये मेरा इक्वेशन 3, ये मेरा इक्वेशन 3, यस और नो? अभी 3 को 2 में डालो, कहां डालो, ये वाले इक्वेशन में. समझ में आया? समझ में आया? ये वाले इक्वेशन में डालो. तो हम लोग, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है, अपने को फिगर और नहीं चाहिए. अरे फिगर क्या चाहिए, फिगर चाहिए क्या, फिगर नहीं चाहिए, ठीक है. तो मेरा टीबी क्या था, टीबी था mbb square - mg, तो ये जो vb square को इधर डाला तो ये मेरा क्या हो जाएगा, m into va square - 4gr / r - mg, यस और नो? यस और नो? कोई डाउट है ना सर? तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो 4mgr / r, एक मिनट, ऐसा नहीं करते, यस और नो? यस और नो? यस सर. तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, आर आर कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, va square - 4mg - mg, यस और नो? तो फाइनल फॉर्मूला मेरा क्या बना, यस और नो? यस और नो? यस. तो टीबी जो पॉइंट है, तुमने क्या किया, तुमने इनिशियल वेलोसिटी से तुमने लिख दिया, टेंशन ऊपर क्या होगा, तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी तुम बता सकते हो अभी. समझ में आया? हाँ सर. इजी है?
इजी है। हाँ सर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पॉइंट सी जाएंगे, ये सब हो गए। राइट डाउन दिस एंड कीप इट, राइट डाउन दिस, यू टेल मी, ओके, यू टेल मी, ओके, राइट डाउन दिस एंड कीप इट प्लीज, बिकॉज आई हैव टू रब इट। सो नाउ वी विल गो टू पॉइंट, विच पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे जाएंगे अभी, पॉइंट सी पे जाएंगे ना, पॉइंट ए भी हो गया ना, अभी पॉइंट सी पे जाना है हमको। योरा पॉइंट ए था ये पॉइंट, बताओ ना यार तुम लोग क्यों नहीं बता रहे हो। पॉइंट सी पे जाएंगे तो पॉइंट सी पे क्या होगा, पॉइंट सी में क्या होगा बताओ। अरे पॉइंट सी में क्या होता है, कॉस 90 जीरो होगा, इसका मतलब टी सी इक्वल टू वी बी सी स्क्वायर बाय आर, यस और नो? यस और नो? फिर से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वही कंजर्वेशन रूल डालेंगे, क्या डालेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, यस और नो? तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो रहा है बताओ, एक मिनट उड़ गया क्या, एनर्जी कंजर्वेशन डालेंगे हम लोग, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है, अगेन यू विल से डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा के, यस और नो? तो बॉडी बॉडी अभी कहां से कहां जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट सी में जा रहा है, इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, हाफ ए से सी ना, तो हाफ वी ए स्क्वायर माइनस हाफ एम एम वी सी स्क्वायर, यस और नो? यस और नो स्वरूप? और बॉडी इधर ही है ना, तो ये लेंथ क्या है, आर है, तो ये क्या होगा, एम जी आर। क्यों? क्योंकि बॉडी जब इधर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जब बॉडी इधर आएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर होगा, और बॉडी जब इधर होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टू एम जी आर होगा। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है सब, तुम सोच रहे होंगे अरे सर डायरेक्टली कैसे लिख देते, नहीं नहीं मैं माइनस जीरो भी बोलता हूं, क्यों, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, यस और नो? इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली जीरो लिखा नहीं। तो एमजीआर अगर ये है तो टू एमजीआर इक्वल टू, सॉरी एमएम कट जाएगा ना, तो टू जीआर इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर, यस और नो? देन व्हाट इज वी सी स्क्वायर, your vc square is 2gr, sorry va square minus 2gr, yes or no? Is it clear Rishabh? Clear? Yes sir, clear. तो अभी क्या करोगे तुम लोग, तुम लोग इसको जाके किधर डालोगे, इधर डालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी ए स्क्वायर बाय आर माइनस टू जी टू एम जी। समझ में आया? तो आपका दोनों फॉर्मूला आ गया है, टीबी का क्या होगा और टीसी का क्या होगा, और टीए का तो तुमको पता ही है। क्लियर? ये डेरिवेशन रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है, तीनों को बोल रहा हूं, और नोट डाउन करके मेरे को सबमिट करना। स्वरूप मैं तेरा हैंड, तेरा असाइनमेंट मुझे अभी तक आया नहीं, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, ओके? सर ये वाला ना जो आपने ये वाला दिया था, उससे पहले क्या दिया था स्वरूप, उससे पहले मैंने क्या दिया था तरंग, क्या दिया था मैंने, यूनिफॉर्म डिस्क का दिया था ना, सबमिट किया तूने, फिर से सबमिट किया तरंग? हाँ सर। फिर से कहाँ सबमिट किया तूने, मैंने बोला ये बराबर नहीं है, तूने फिर से सबमिट किया? मैंने किया था ना, सेकंड टाइम किया क्या? नहीं किया, पता नहीं, पता नहीं। हेलो सर। बोल। एक प्रॉब्लम हो गई थी,
क्या बोल रहा है? ठीक है, अभी हमको तीनों मिल गया। हाँ ठीक है, तेरा टीबी है, टीए है और टीसी है। यस और नो? अभी मैं इसको रब करता हूं, और भी अपना काम है इसके ऊपर, खत्म नहीं हुआ है। तो मैं जस्ट राइट, आई एम राइटिंग डाउन प्रॉपरली। टीए इक्वल टू एम जी प्लस एम वी ए स्क्वायर बाय आर, टी बी इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाय आर, सॉरी टी बी ना, सॉरी सॉरी एम वी ए स्क्वायर आर माइनस फाइव एम जी, एंड टी सी इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर माइनस टू एम जी। क्लियर और नॉट? सबको क्लियर है? मुझे बताओ, कंपेयर करके बताओ, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा टेंशन बड़ा है? ए वाला बड़ा है, बी वाला बड़ा है, सी वाला बड़ा? ए वाला। वेरी गुड। तो टीए सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन बड़ा है? वेरी गुड। उसके बाद क्लियर? तो मुझे बताओ, क्या हम इस दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं? चलो निकालते हैं, एम वी ए स्क्वायर बाय आर माइनस एम वी ए स्क्वायर, सॉरी वी ए स्क्वायर बाय आर माइनस टू एम जी, कितना होगा? एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस माइनस एम वी ए स्क्वायर बाय आर प्लस टू एम जी। ये दोनों उड़ जाएगा, क्या बचेगा? टू एम जी बचेगा या थ्री एम जी बचेगा? तो टी ए माइनस टी सी क्या होगा? थ्री एम जी। क्लियर? नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? टी सी माइनस टी बी करेंगे। अभी ये दोनों के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है? टी सी माइनस टी बी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। तो ये क्या होगा? टी सी माइनस टी बी क्या होगा? एम बी ए स्क्वायर आर आर माइनस टू एम जी माइनस टी बी, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं प्लस फाइव एम जी, क्योंकि माइनस था तो ये भी मेरा माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? थ्री एम जी। ये भी थ्री एम जी हुआ। यस और नो? अरे क्लियर और नॉट? यस सर। तो इसका मतलब क्या है बताओ? हाँ, और टीए टीए टीवी का, टीए और इसके बीच में हम लोग निकालेंगे ना, टीए और टीवी के बीच में। टीए क्या है? एम जी प्लस एम वी ए स्क्वायर बाय आर माइनस टी सी, सॉरी बी ना, एम वी ए स्क्वायर बाय आर माइनस फाइव एम जी। तो ये क्या हो जाएगा? एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम वी ए स्क्वायर बाय आर प्लस फाइव एम जी, तो दोनों बढ़ जाएगा सिक्स एम जी। इसका मतलब तुमने क्या, तुमको क्या लग रहा है? देखो, जब बॉडी इधर है ना, इसका मतलब थ्री एम जी में बढ़ रहा है और थ्री एम जी में बढ़ रहा है। समझ में आया तुम लोग को? मतलब बॉडी इधर है, इधर इंक्रीज हो गया थ्री एम जी, टेंशन इंक्रीज हो गया और इधर हो गया थ्री एम जी, तभी तो इसके और इसके बीच में छह एम जी है ना। स्वरूप समझ में आया? यहां पर थ्री एम जी हुआ और यहां पर थ्री एम जी हुआ, टोटल इसके और इसके बीच में कितना है? सिक्स एम जी। यस और नो? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? हाँ सर। कोई डाउट है या फिर से समझाऊं?
समझा सर। स्वरूप समझा? हाँ सर। तो आई वॉन्ट दिस डेरिवेशन, यू शुड शो मी। ओके, पूरा क्रिस्टल क्लियर है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। सो यू हैव टू डू इट एंड शो मी टुमारो। ओके ऑल ऑफ यू, व्हेन आई से टुमारो इट्स टुमारो, डोंट डिले इट। इफ यू डिले इट आई विल नॉट सी इट। ओके चलो, सी यू ऑन, आई टेल यू, आई विल पुट इन द ग्रुप।